मानकर चलना। अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर है। जिस दिन ये सारी घटना घटी उस दिन वो सुबह जल्दी तनोट माताजी के मंदिर में गए थे, और जो आदमी शक्ति लेकर आ रहा हो नवरात्रों में तो उनको तो क्लीन चिट मिलनी थी, उनका कोई रोल भी नहीं था। और जहां तक 3 MLA का सवाल है, ये हमारे परिवार का मामला है। शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी और तमाम लोग जिनको नोटिस मिला है, ये एक परिवार का मामला है। नोटिस मिला उसका जवाब देंगे वो, और परिवार में कोई बात होती है तो उसका जवाब देना, समाधान करना तो लीडरशिप के हाथ में। सोनिया गांधी जी ने 10 वर्ष तक देश पर शासन किया UPA चेयरपर्सन के रूप में, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया खुद नहीं बनकर। इस देश में वक्त आ गया जब कांग्रेस के लीडर को सड़क पर राहुल गांधी जी की तरह उतरना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, और जो हमारा इतिहास है वो एक बात तय करनी पड़ेगी कि इस देश में आतंकवाद को खत्म करने की सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। आतंकवाद से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई कि इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी, उनके घर में 24/303 की गोलियां लगी और वो मारी गई। प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया, महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई, बेअंत सिंह, सरदार बेअंत सिंह की हत्या हो गई। आज ये PFI पर जो प्रतिबंध लगाकर BJP नाटक कर रही है, तो BJP बार बार जो ये करती है, तो आतंकवाद से तो कांग्रेस लड़ रही है। हम तो हमेशा आतंकवाद के विरोधी रहे, यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं को आतंकवादियों ने मारा। और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि BJP तो हमेशा सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नहीं, कोई नया सगुफा छोड़ी।